देखिए दोस्तों, सुन पा रहे हैं इसकी आवाज? ये कितना क्रंची, इतना कड़कड़ है। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है। तो चलिए दोस्तों, इस डिलीशियस कैरामेल पॉपकॉर्न को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों मैं रुचि आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिलीशियस क्रंची कैरामेल पॉपकॉर्न रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न को रेडी कर लेते हैं। कुकर में 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। जब गर्म हो जाए तो इसमें SNN पॉपकॉर्न डाल दीजिए। थोड़ा ये गर्म हो जाए, चटकने लगे, तभी इसे क्लोज करेंगे। इसे थोड़ा चला दीजिए, इस तरीके से हिला देते हैं। कुकर के ढक्कन का सीटी और छल्ला निकाल दीजिएगा। इसे लगा रहने बिल्कुल भी मत दीजिएगा। थोड़ी देर में देखेंगे ये फूटने लगेंगे। इसे पूरा कवर करके कभी भी मत बनाइएगा, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा इस तरीके से हिला देते हैं। ये हो चुके हैं, इसमें आवाज आना बंद हो गया है। फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम खिले खिले पॉपकॉर्न। चलिए अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। ये देख पा रहे हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, यम्मी यम्मी। इसमें अगर आप नमक डाल दीजिए तो ये नमकीन पॉपकॉर्न बन जाएगा आपका। तो चलिए अब फटाफट कैरामेल बनाने की तैयारी करते हैं। इंडक्शन पर पैन चढ़ाइए, लो टू मीडियम रखेंगे फ्लेम। चीनी ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी ऐड किया है हमने। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। थोड़ी देर में देखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं ये मेल्ट होने लगी। चलिए आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए फ्रेंड्स। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। ये देखिए नीचे से चीनी पिघलने लगी है। अब इसे कंटिन्यूसली चलाइए ताकि ये नीचे से जलने ना पाए, क्योंकि अगर ये डार्क हो जाएगा, जल जाएगा तो बहुत ही कड़वा लगने लगता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं ये मेल्ट हो गया। चलिए अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच बटर और कंडेंस्ड मिल्क। 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और 1 पिंच सॉल्ट जरूर डालिएगा। अब इन सभी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगे, इस तरीके से बबल्स बनने लगे, तो समझ लीजिए ये हो चुके हैं। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। चाहे तो आप इसमें छोटी इलायची डालकर इसे पट्टी की तरह जमा भी सकते हैं। तो चलिए अब फ्लेम बंद करते हैं और इसमें डालेंगे ये जो पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे चलाते हुए। उसके बाद इसे आप फैला देंगे तो ये क्रंची हो जाएगा, थोड़ा दबा दबा कर, ताकि अच्छे से सभी में लग जाए कैरामेल। ऊपर नीचे आगे पीछे करते करते अच्छी तरीके से लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी मौसम में, कभी भी, जब भी आपका जी चाहे कुछ मीठा खाने का, इसे आप बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस करते हैं इसे फैलाने की। एक प्लेट या ट्रे में ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर सारा कैरामेल वाला पॉपकॉर्न फैला दीजिए और इसे अलग अलग करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो ये इकट्ठा ही रहेगा। ये देख पा रहे हैं। तो चलिए अब जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसे आप हाथों की सहायता से भी करते हुए अलग अलग कर लीजिए, एक एक करके इस तरीके से निकालते जाइए। चाहे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को अलग अलग फैला लिया। चलिए अब इसे 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे एकदम क्रंची हो जाएगा। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सुन पा रहे हैं इसकी आवाज, इससे कड़कड़ हो चुके हैं। ये देखिए, चलिए अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस कैरामेल पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया। खाने में बहुत ही डिलीशियस और क्रंची है। एक इसे टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। सुन पा रहे हैं इसकी कुरकुरेपन की आवाज, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है।
फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। हम हर सैटरडे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।